शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अनजाने में से स्वीटी हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना, है ना? और दोस्त की बात कैसे टाल सकते हैं? लेकिन हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त शिवांश? हम जानना चाहते हैं कि अभी अभी आपने जो ये सब कहा है इसमें कितनी सच्चाई है। अब हम समझे नहीं शिवांश, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब हमने कभी आप दोनों को आम पति पत्नी की तरह हंसते बोलते देखा नहीं। शिवांश आप भी कैसी बातें करते हैं? कोई बात नहीं, अब आप आगे से ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा। आज शाम को तुम्हारी प्यारी बीवी तुम्हें सरप्राइज देने वाली है। आज इस मेहरबानी की वजह जान सकते हैं? देखो रोहन, हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो। रोहन, बात यह है रोहन की शिवांश ने उस बच्चे के लिए शादी में रहने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन स्वीटी के साथ उनका दिल नहीं जुड़ पा रहा है। शिवांश को लगता है कि हम भी सही तो लगता है, गलत क्या है इसमें? इसीलिए उन्होंने आज ही पार्टी भी रखी है। ये जानने के लिए कि हम पति पत्नी के रिश्ते में कितना आगे बढ़े हैं, राइट? तो ये सब इसलिए है कि हमें शिवांश के सामने रोमांटिक होने की एक्टिंग करनी होगी। रोहन प्लीज, हमारी दोस्ती की खातिर प्लीज रोहन। नहीं शमी, हम तुम्हारे साथ प्यार करने की एक्टिंग नहीं कर सकते। जानती हो क्यों? क्योंकि हम तुमसे सच में प्यार करते हैं। इसलिए हमें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पार्टी की महफिल तो हम जमाएंगे। चले, पार्टी शुरू होगी। मम्मी, श्रवणी ने सच में क्या कमाल किया ना, शिवांश को देखा आपने, कितना खुश है, अभिनय कर रहा है। और ये अभिनय करते करते ना वो बहक भी सकता है, और अगर बहक गया तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, काहे के बच्चे वाली बात सच भी हो सकती है।
अगर ना भी हुई सच तो बच्चे गिराने का नाटक करना और सारा इल्जाम शर्मी पे डाल देना। कहा था ना दोनों तरफ से जीत हमारी है। मम्मी मम्मी क्या चाल चली है आपने, मानना तो पड़ेगा। पर मम्मी हमें ये सब चाल वाल से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस शिवांश चाहिए, बस। हम तो जा रहे पार्टी करने, आप भी जल्दी आ जाना, ठीक है? जा रहे। शिवांश चाहिए। स्वीटी तुम्हारे लिए तो हम कर ही रहे हैं, पर हमारा असल मकसद जो है ना, श्रवणी को बर्बाद करना है। से बहुत प्यार करते, यही सच है, लेकिन देखिए हालातों ने हमें कहां पहुंचा दिया है। कि हमें आप ही को यकीन दिलाना है कि हम आपसे नहीं रोहन से प्यार करते हैं। हालातों ने आपको झूठ बोलना भी सिखा दिया। हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं कि आप रोहन को अपना पति मान चुकी हैं, और ये हम आज साबित कर देंगे। भाई वाह, आपका स्वागत है हमारी पार्टी। एक बात कहे आपसे। कहिए। बला की खूबसूरत लकड़ियां हमारी दोस्त, साथ में दोस्त का पति भी है, तो थोड़ा लिहाज। अरे भाई माफ करना, माफ करना भाई। हमने तो सुना है कि दोस्त का जो पति होता है ना, वो जीजा और फूफा से ज्यादा खतरनाक होता है। एक बार अगर वो मुंह फुला ले तो भाई सारे बम हम पर ही गिरने हैं फिर। शिवाश, आज तो हम दुनिया के सबसे लकी गर्ल है। हमारा प्यार हमारे साथ जो है ना? तो क्या पार्टी में आप सिर्फ हम चार ही हैं? अरे भाई हम चारों की चॉकलेट किसी से कम है क्या? अरे वो कहते हैं ना कि हाँ चार यार मिल जाए तो क्या, चार यार मिल जाए तो वही रात हो गुलजार। हाँ चार यार मिल जाए तो वही रात हो गुलजार। इस रात को गुलजार बनाने के लिए कुछ और भी तो करना होगा। वैसे शिवांश तुम्हारी ये पार्टी ना बड़ी फीकी फीकी सी लग रही है। भाई अब आप आई है तो धमाका तो अपने आप हो ही जाएगा। चलिए पार्टी धमाकेदार बनाते हैं, ठीक है? चलिए। शिवांश, आपने हमसे वादा किया था आप शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। देखिए दोस्त, आप अपनी हद में रहिए। हमारा मतलब है आपके पति वहां है, अपना हक आप उन पर जताइए। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।